नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपके पास जियो का सिम है तो आज मैं आपके जियो सिम के लिए एक ऐसा सीक्रेट कोड बताऊंगा जो आपको हमेशा काम आएगा, यानी कि आप जब तक जियो का सिम चलाएंगे आपको ये कोड हमेशा काम आएगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके पास जियो का सिम है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा जियो। और दोस्तों अगर आपके पास जियो के अलावा एयरटेल आईडिया वोडाफोन बीएसएनएल का सिम है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके और उसके बाजू में आपको एक छोटा सा घंटी का आइकन मिलेगा उस पर भी क्लिक करके आप उसको ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास जियो का सिम है तो आज मैं आपको एक ऐसा कोड बताने जा रहा हूं जो आपको हमेशा काम आएगा। और दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कोड आपको हमेशा काम आए या ना आए लेकिन जब भी आप मुसीबत में फंसेंगे ये कोड आपको जरूर काम आएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना है अपने फोन के डायलर में। अपने फोन के डायलर में आपको कोड डायल करना है *401*। दोस्तों यही वो सीक्रेट कोड है जिसकी मदद से आप अपने फोन के कॉल्स को दूसरे सिम पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए जिस फोन में आपका जियो सिम लगा हुआ है वो फोन स्विच ऑफ होने वाला है, उस फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, तो आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो आपके जियो सिम पर किसी का कॉल भी नहीं आएगा। लेकिन फोन स्विच ऑफ होने से पहले अगर आप इस कोड को डायल करके और किसी मोबाइल नंबर को डायल करके अपने कॉल को उस मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड कर देते हैं तो अगर आपका फोन स्विच ऑफ भी हो जाता है, आपका फोन बंद भी हो जाता है, तो भी आपके जियो सिम का कॉल आपके दूसरे सिम पर दूसरे मोबाइल पर आता रहेगा। बहुत ही कमाल का सीक्रेट कोड है और ये कोड आपको हमेशा हेल्प करेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको एंटर करना है अपने फोन के डायलर में *401*। और दोस्तों इसके बाद आपको उस मोबाइल नंबर को एंटर करना है जो मोबाइल नंबर आपके किसी दूसरे फोन पर लगा हुआ है, जिस मोबाइल नंबर पर आप अपने इस जियो सिम के कॉल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। इसके बाद आपको कर देना है डायल। अब होगा क्या कि जब भी कोई आपके जियो नंबर पर कॉल करेगा उसका कॉल डायरेक्ट उस मोबाइल नंबर पर चला जाएगा जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दिए हुए हैं। अब आपके नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग इज नाउ एक्टिव ऑन योर नंबर। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सिम के कॉल्स को दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं बिना किसी कंडीशन के। अब बात करते हैं कि आपका फोन चार्ज हो चुका है और अब आप चाहते हैं कि आपने जो कॉल फॉरवर्ड किया था वो खत्म हो जाए और दोबारा से आपके नंबर पर कॉल आने शुरू हो जाए, तो इसके लिए भी आपको जाना होगा अपने फोन के डायलर में। जिस फोन के डायलर में आपने एक कोड डायल किया था उसी फोन के डायलर में जाइएगा जिस फोन में आपका जियो लगा हुआ है और यहां पर आपको डायल करना है *402 और बस दोस्तों आपको कर देना है यहां पर कॉल। नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। और बस इसके बाद आपके जियो नंबर पर कॉल आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और भी अमेजिंग कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।